बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया चौपहिया वाहनों की एंट्री हो चुकी है। कईयों ने वाहन खरीदे भी है, लेकिन इन वाहनों को चार्ज करते समय आने वाला बिल पेट्रोल से कम होने के बावजूद इस खर्चे में भी बचत का अनोखा रास्ता चंद्रपुर जिला स्टेडियम के वरिष्ठ लिपिक ने खोज निकाला है। घर में कार चार्जिंग करने से घर के बिजली बिल में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इस महाशय ने कार्यालयीन समय में ऑफिस पहुंचते ही अवैध तरीके से बिजली की सप्लाई चंद्रपुर जिला स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार से सटे दीवार पर बिजली का बोर्ड लगाया है, जहां रोजाना अपनी इलेक्ट्रिक कार पार्क करके चार्जिंग होती है। और ये सब जिला क्रीडा अधिकारी के आशीर्वाद से होता है या नहीं तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतनी बात पक्की है कि इस पूरे मामले में अनदेखी हो रही है। महाशय की बिजली का बिल जिला प्रशासन सरकारी तिजोरी से भर रहा है, क्या इस वरिष्ठ लिपिक को चोरी से चार्जिंग करना इजाजत है? और अगर नहीं तो चोरी हुई बिजली बिल का भुगतान कौन करेगा? राजेश नायडू शिव छत्रपति अवार्डी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी ने मांग की कि जिलाधिकारी ने इस बिजली चोरी मामले की उच्च स्तरीय जांच कर बिजली बिल का पूरा पैसा वरिष्ठ लिपिक से वसूल किया जाए और बिजली चोरी के मामले में तुरंत कड़ी कार्रवाई कर निलंबित किया जाए। आज यह जो घटना पता लगी है वो बहुत ही निंदनीय है और शॉकिंग है, जिसमें चंद्रपुर के जिला क्रीड़ा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत एक सीनियर क्लर्क अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार स्टेडियम के गेट पर वहां से चार्जिंग पॉइंट पे अटैच करके अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहा है। यह सीधी सीधी चोरी का मामला है। क्या जिला क्रीड़ा अधिकारी ने इसकी अनुमति दी थी? और नहीं दी थी तो कब से यह कांड चल रहा है? क्योंकि चंद्रपुर का यह स्टेडियम जब से बना है तब से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, केंद्र बन चुका है, जहां पे जितने भी जिला क्रीड़ा अधिकारी आए हैं और नेताओं ने यहां पे सिर्फ पैसे खाने के लिए ही काम किए हैं, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हमने बार बार यह मांग की है, यहां का ट्रैक सैकड़ों बार बनाया गया है और हर बार भ्रष्टाचार हुआ है। यहां पर छोटी छोटी एम्यूनिटीज बनाने के लिए ठेकेदार अपने अपने लाए जाते हैं, सिक्योरिटी अपनी अपनी लाई जाती है। यहां पे जब बड़े बड़े कंपटीशन होती है तो हजारों लाखों का घोटाला होता है और इन्हीं कारणों की वजह से ये यहां पे काम करने वाले बाबू इतने मस्ती में आ जाते हैं, क्योंकि जब उनका बॉस ही पैसे खा रहा है तो फिर उन्हें किसी बात का डर। इसलिए चंद्रपुर का पहला छत्रपति वाड़ी होने के नाते, चंद्रपुर का पहला इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते और शिक्षक सेना का जिला प्रमुख होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि इस कांड की तो तहकीकात की जानी चाहिए कि कब से गाड़ी लगाई जा रही है, किसके परमिशन से गाड़ी लगाई जा रही है चार्जिंग पे वहां पर, उस बाबू से और डीएसओ से वसूली होनी चाहिए इसकी। और इसके अलावा इस स्टेडियम पर और कितने कांड हुए हैं इस सबका ऑडिट होना चाहिए। सरकार ने NBC न्यूज़ के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।